आस्था और विश्वास की अनूठी रस्म के चलते एक भी किसान नहीं गया खेत। जब लोगों की आस्था किसी धार्मिक भावना से जुड़ी हो तो वही उनका विश्वास भी जुड़ना स्वाभाविक है। इसी आस्था और इस विश्वास की अनूठी परंपरा जिले के रायला क्षेत्र के ईरान गांव में देखने को मिली। गांव में एक दिन का अगता रहा यानी कि कार्य विशेष को लेकर मनाई रही, जिसके चलते कोई भी किसान खेत पर नहीं गया। और तो और इसी आस्था और विश्वास के चलते गांव के सारे पालतू जानवरों को भी पांच देवताओं की जोत में से निकाला गया। आपको बता दें कि गांवों में आज भी देवी देवताओं को मानने के साथ साथ उनके दिए गए आदेशों पर चलने की परंपरा, उनके प्रति श्रद्धा और आस्था आज भी जीवित है। ईरान गांव में सर्पदंश की लगातार घटनाओं के बढ़ने के कारण और जानवरों में रोग दोष से मुक्ति के लिए वहां के लोगों का गांव के पुजारियों और तेजाजी महाराज की आस्था से जुड़ाव होने के कारण गांव के सभी किसानों को एक दिन की छुट्टी रखकर खेत पर जाने और कृषि कार्य करने की मनाई थी, जिसके चलते आज गांव के ही तेजाजी आवण माताजी, बालाजी, खेड़ा खूट माताजी और मारकनाथ जी की जोत लगाकर तेजाजी के स्थान पर दोनों और जोत लेकर ग्रामीण खड़े रहे। हर घर से अपने पालतू जानवर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा सहित सभी पालतू जानवरों को इन पांचों देवताओं के यहाँ से लाई गई जोत में से निकाला गया। गांव के मुकेश चौधरी का इस बारे में कहना था कि पालतू जानवरों को रोगों से मुक्ति के लिए आस्था और श्रद्धा के साथ आज सभी पालतू जानवरों को तेजाजी के लिए ले जाकर जोत में निकाला गया और पूजा अर्चना कर गांव में खुशहाली और शांति की कामना की गई। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हमारे गांव इरास में सभी ग्रामवासियों द्वारा अख्तर रखा गया और इसके तहत जो पिछले काफ़ी दिनों से जो घटना हो रही थी पशुओं को बीमार होने की, सर्पदंश की, इन घटनाओं से निजात पाने के लिए देवी देवताओं से अरदास की, पांच देवी देवताओं की जोत लाकर तेजाजी के स्थान पर सभी गांव के पालतू और आवारा पशुओं को जोत से निकाला और भगवान से कामना की कि जो पशुओं में जो बीमारी आ रही है और जो सर्पदंश की घटना हो रही है उनको भगवान दूर करे। और भगवान आज पूरे दिन किसी ग्रामवासियों द्वारा खेत पर कोई किसी प्रकार के काम के लिए नहीं गए और अब तक है और भगवान से कामना की है कि अच्छी बारिश हो, अच्छे सभी काश्तकार है, निवास करते हैं तो सभी के लिए पशुधन है, पशुधन में किसी प्रकार का रोग न हो और कमाई का जो जरिया है वह अच्छी तरह चलता रहे।